आज हम लोग बात करेंगे सर्फ शार्क वीपीएन के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में हाय <ख़़ीव> गाइज मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और रिसेंटली मैंने वीपीएन के ऊपर वीडियो बनाया था वीपीएन क्या होता है कैसे वर्क करता है अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो आप लोग आई बटन पे देख सकते हैं सो so, अभी फिलहाल मैं काफी सारे वीपीएं को टेस्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में कौन सा वीपीएन अच्छा है तो मैंने ऐसे दस वीपीएं को टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल so, में तो उसमें से एक वीपीएन है सर्व शार्क वीपीएन मुझे लगा कि इसका डिटेल रिव्यू बनता है ना ये किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट कूपन कोड है जो कि आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड विद रिव्यू सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी स्पीड से वीपेन में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर वीपेन ले लिया उसमें स्पीड ही नहीं मिल रही है तो उसको यूज ही नहीं करोगे आप लोग सो so, मैं अभी आप लोगों को इसकी स्पीड बताता हूं कि कितनी मुझे मिल रही है जब मैं वीपेन नहीं यूज कर रहा हूं तो ये मुझे स्पीड मिल रही है फोर्टी वन एमबीपीएस की मेरी डाउनलोड है नौ एमबीपीएस की मेरी अपलोड है पिंग मुझे पांच मिली का मिल रहा है जो कि काफी अच्छी है एंड जब मैं यहाँ पर अपना वीपीएन यूज़ करता हूँ तो जब ये फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट करता है तो ये इंदौर में मुझे कनेक्ट करता है मैं भोपाल में रहता हूँ मुझे जो डाउनलोड स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 37.62 सेवन की और अपलोड 7.35 की जो कि काफ़ी अच्छी है तो यहां पर मैंने फास्टेस्ट सर्वर का यूज़ किया था कि मुझे फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट कर दो तो इसने मुझे इंदौर में कनेक्ट किया था अब यही जब मैंने इसके यूएस के सर्वर से कनेक्ट किया डेनवर में कि मैंने कनेक्ट किया था तो मुझे डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी फिफ्टीन एम की अपलोडिंग स्पीड मिल रही थी सेवन एम की जो कि डिसेंट है अगर मैं इंडिया से यूएस में किसी भी वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो इतनी स्पीड मुझे एवरेज में मिल जाती है तो स्पीड के मामले में अच्छा है सर्वर्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 1700 प्लस सर्वर्स देखने को मिल रहे हैं 63 प्लस कंट्रीज है तो इनके सर्वर्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं अगर यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो मुझे नेटफ्लिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है लेकिन अमेजन प्राइम यू वाला जो है जब मैं उसको स्ट्रीम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है सारे सर्वर्स इनके अमेजोन प्राइम पे वर्क नहीं कर रहे थे नेटफ्लिक्स यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है पी की बात करूं टोरेंटिंग की बात करूं तो टोरेंटिंग भी आप लोग इनके सारे सर्वर्स में कर सकते हैं और पीटूपी क्लाइंट जैसे हो गए बिट या फिर यू टोरेंट दोनों को ये वीपीएन सपोर्ट करता है अब अगर मैं इसके लोकेशन या ज्यूरिस्टिक्शन की बात करूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है वीपीएन में क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसे भी लॉज होते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है गवर्नमेंट को वहां पे उनको कुछ लॉग्स देने रहते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ये लोकेटेड है ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में तो वहां पर कोई ऐसी ऑब्लिगेटरी डेटा रिटेंशन लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट को देना ही देना है या गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है तो ये चीज़ अच्छी है लॉगिंग पॉलिसी का बात करूं तो इन लोगों ने साफ साफ यहां पे मेंशन किया है कि कोई लॉग नहीं रखा जाएगा आई पी एड्रेसेस का वी पी एन सर्विस यूज़ यूज़ बैंडविथ कौन सी वेबसाइट विजिट करी इन सब का नहीं रखा जाएगा सिर्फ ई मेल एड्रेस का यूज़ किया जाएगा और बिलिंग का यूज़ किया जाएगा अगर आप लोगों को रिफंड वगैरह चाहिए रहता है तो उसके लिए अब यहाँ पर अगर मैं इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो शुरुआत करते हैं इसके प्रोटोकॉल से यहाँ पर यूज़ हुआ है ओपन वी पी एन और आई की वी टू का यूज़ किया गया है और जो हमारा स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन होता है जो कि ए ई एस टू फिफ्टी सिक्स बेट होता है उसका भी यूज़ किया गया है सो so, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो आप लोगों को हर वीपीएन में मिलते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी फीचर्स आप लोग इसे बोल सकते हो ये आप लोगों को हर पेड वीपीएन में मिलेंगे जो कि 2020 के हिसाब से काफी अच्छे हैं ऑटोमेटिक किल स्विच है यहाँ पर मान लो कभी आपका नेटवर्क एकदम से ड्रॉप हो जाता है तभी आपकी आईपी को रिवील नहीं करता है ये आपके नेटवर्क को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर रख देता है तो ये एक अच्छी चीज है ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो एक डी लीक टेस्ट करके होता है वो भी इसने पास कर लिया मतलब आपकी आइडेंटिटी कहीं पे रिवील नहीं हो रही है यहाँ पर आप लोगों को एक मल्टी हब का भी फीचर मिलता है यूजुअली आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई हैक करता है कोई सिस्टम को तो एक कॉमन डायलॉग रहता है कि उसकी आई काफी जगह से बाउंस करते हुए आ रही थी तो यहाँ पर काफ़ी जगह में से आप लोगों को दो जगह मिल रही है मीन्स मैं इंडिया में बैठा हूँ पहले मेरी आईपी जाएगी यूएस में फिर वहां से मैं कनेक्ट हूँ यूके पे तो ऐसे में दो जगह से कनेक्ट होकर जाऊंगा तो सिक्योरिटी मेरी और बढ़ जाती है मैं इंडिया में बैठा हूँ पहले मैं यूके में जाऊंगा फिर यूके से यूएस में जाऊंगा ऐसा भी हो सकता है तो मल्टीअप का यही फंक्शन है यहाँ पर एक और नया फीचर भी है क्लीन वेब करके जो कि बेसिकली एक एड ब्लॉकर है आप लोगों को एक पेड एड ब्लॉकर फ्री में मिल जाता है इस वीपीएन के साथ में अगर कुछ आपके वेबसाइट्स में कुछ एड्स वगैरह हैं जो आप लोग विजिट कर रहे हो तो वो इन सबको ऑटोमेटिकली हटा देता है यहाँ पर एक कैमूफ्लाज मोड भी है जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कंट्री में कुछ रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो आप उसको बाईपास कर सकते हो इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो इस मोड का यूज हम लोग तो नहीं करेंगे अब इसके अगर मैं कुछ यहाँ पे एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो जो इसका सबसे पहला मुझे अच्छा फीचर लगा है वो है अनलिमिटेड यूजर्स यूजुअली वीपीएन आपको लिमिट कर देते हैं कि आप पाँच सात या आठ यूजर्स तक ही कर सकते हो या आठ डिवाइसेस तक ही कर सकते हो यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड है मैं अपने दोनों तीनों लैपटॉप में लगा सकता हूँ अपने कंप्यूटर में लगा सकता हूँ अपने मोबाइल फोन्स में लगा सकता हूँ अपने घर के सारे मेंबर्स के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट टनलिंग का फीचर है स्प्लिट टनल मतलब एक वाइट लिस्ट कर सकते हो आप कुछ वेबसाइट्स को आप क्यों कर सकते हो

अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट ये नहीं है एक यहाँ पे लोकेशन प्रूफ का भी फ्यूचर है जो की आप सिर्फ एंड्रॉइड में ही यूज कर सकते हो मान लो आप, आपने यूज किया है यूएस का सर्वर और जब भी आप अपना ऐप खोल रहे हो वो आपसे जीपीएस की लोकेशन मांग रहा है तो लोकेशन प्रूफ की मदद से आप लोगों से जीपीएस में भी अपने यूएस की लोकेशन दे सकते हो अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो सर्फ शाह बी यहाँ पर 2018 से है से अर्ली 2018 से है और एज ऑफ अप्रैल 30, 2020, थाउजेंड ट्वेंटी सर्फ ने किसी भी तरह के यहाँ पर उनको उन्होंने डेटा को शेयर नहीं किया यहाँ के गवर्नमेंट ने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगी है तो हिस्ट्री इनकी काफ़ी क्लीन रही है अभी तक अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इसे हर डिवाइस में यूज करके देखा है मैकबुक में विंडोज पीसी में एंड्रॉइड फोन्स में और अपने आईफोन में भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप लोग को एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर पे इनका ऐप इंडिया में नहीं मिलेगा ये इनका ऐप फॉरेन में अवेलेबल है लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो जब मैंने कस्टमर सपोर्ट से पूछा तो उनका ये कहना था कि इंडिया में काफी सारे यूजर्स इसको अब्यूज कर रहे हैं इसलिए इंडिया में इनका ऐप नहीं है लेकिन आप लोग एपी से वो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जा करके एपी के फाइल डाउनलोड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से यार ये थोड़ा ड्रॉबैक है अगर प्ले स्टोर पर होता तो अच्छा होता ऑटोमेटिकली अपडेट अच्छा भी हो जाता लेकिन उन्होंने कहा अच्छा कि अपडेट हो वैसे भी हो जाएगा अपडेट का आप लोगों को एक पॉपअप आएगा एंड अपडेट आप लोग उसको बाद में भी कर लोगे सो ये एक प्रॉब्लम मैं एंड्रॉइड साइट पे लेकिन आप लोगों को आईफोन ये इजीली एप स्टोर पे मिल जाएगा इंडिया में भी सो so, मैं क्विकली अभी आप लोगों को इसका यूजर इंटरफेस समझा देता हूं तो मैं अभी यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ आई पे जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे इस टाइप का आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है फास्टेस्ट सर्वर या फिर नियरेस्ट कंट्री मुझे इंडिया में ही चाहिए मुझे फास्टेस्ट सर्वर चाहिए मैंने कहा ठीक है यहाँ पे मैं कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा एंड मुझे मेरी लोकेशन के हिसाब से फास्टेस्ट सर्वर ढूंढ के दे देगा ये एक सेकंड के अंदर मेरा कनेक्ट हो गया इंडिया इंदौर में तो ये मेरा कनेक्ट ऐसे हो सकता है फिर स्टैटिक अगर मुझे कोई सर्वर वगैरह चाहिए तो यहाँ पे स्टैटिक सर्वर है बाकी यहाँ पे सारे लोकेशन वगैरह हैं और ये जो आपको बबल दिख रहा है ये एक्चुअल में लोड है कि इस सर्वर पे कितना लोड है जितना बबल खाली रहेगा उतना अच्छा है जैसे ब्राजील के सर्वर पे कोई लोड नहीं है तो इनका सर्वर ये उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और ये मल्टी हॉप का भी एक फंक्शन है मल्टी हॉप का फंक्शन मतलब मैं चाहता हूँ कि दो लोकेशन से कनेक्ट होकर जाए यूनाइटेड किंगडम फ्रांस और फिर सिंगापुर नीदरलैंड्स और यहाँ पर मेरा दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो गया तो मैं इसे वापस फास्टेस्ट सर्वर पर कर देता सेटिंग्स पर जाऊँगा तो यहाँ पर एडवांस में आप लोगों को प्रोटोकॉल में आई की ई वी टू का मिल जाएगा एंड ओपन वी पी एन नहीं यहाँ पर अवेलेबल है आई यू एस के लिए नेटवर्क ठीक है जनरल में यहाँ पर किल स्विच मेरा ऑन है और फीचर्स की बात करूं तो क्लीन वेब है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एड्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे स्प्लिट पैनल का फीचर अपने ओएस में नहीं मिलता आई पे नहीं मिलता है अब मैं आप लोगों को एंड्रॉइड के ऊपर भी बता देता हूं जैसे आप लोग ओपन करोगे आप इस टाइप से आप लोगों को ऐप देखेगा ये आप लोगों को ए पी इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा ऐप तो जैसे यहाँ पे फास्टेस्ट सर्वर का ऑप्शन आ गया मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा एंड मुझे यहाँ पे फास्टेस्ट सर्वर पे इसने मुझे इंदौर पे कनेक्ट कर दिया है लोकेशंस पे ये सारी लोकेशंस आ गई है जैसे आप लोगों को मैंने डेस्कटॉप पे बताया था वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी है फीचर्स पे जाऊँगा तो क्लीन वेब है कि मेरे मुझे एड्स वगैरह ब्लॉक करने तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर सकता हूँ और वाइट लिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट टनलिंग का जैसे मैंने बताया वो एंड्रॉड और सिर्फ विंडोज़ के लिए तो यहाँ पे मैं व्हाइट लिस्ट कर सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि व्हाट्सअप जाए उससे या फिर यूट्यूब का मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब को मैं व्हाइट लिस्ट कर दूँ तो वो वीपी के थ्रू नहीं जाएगा यहाँ पे सेटिंग्स में किल स्विच वगैरह है प्रोटोकॉल वगैरह है जीपीएस लोकेशन को मैं ओवर कर सकता हूं नो no बॉर्डर्स है और प्रोटोकॉल में आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से ऑटोमेटिक पे रहने देना इसको मेरे रिकमेंडेशन में एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे अनोनीमस डेटा ट्रैकिंग करके है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है तो आप लोग इसको बंद कर सकते हो मैं नहीं चाहता मैंने किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ वी वाले ऐप को कि क्रैश डेटा मेरा मिले या फिर अनोनीमस ऐप यूजेज मिले मैं नहीं चाहता कि नहीं मिले तो आप लोग इसे बंद कर सकते हो और आईफोन पर भी आप लोगों को उसी टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी टू यूज़ इंटरफेस है और इसको सेटअप करने के लिए भी कुछ एडवांस टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसके कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो 24 फोर बाय सेवन लाइव चैट सपोर्ट है मैंने जब इनसे क्वेरी करी थी तो मुझे एक मिनट के अंदर रिप्लाई आ गया था और इनकी वेबसाइट पे सपोर्ट आर्टिकल्स भी बहुत हैं अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मेरे पास आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑफर है अगर आप लोग नीचे मेरे दिए गए लिंक पे जाएंगे तो जैसे ही आप लोग जाएंगे ये वाला पेज खुल जाएगा एंड नीचे अगर मैं आऊंगा तो मुझे अगर मैं यहाँ पे दो साल के लिए लूंगा तो मुझे दो डॉलर एक महीने का मिलेगा इनका जो बेस्ट प्लान है वो दो साल के लिए एक साल या फिर एक महीने वाला मत लेना काफी एक्सपेंसिव है दो साल वाला सबसे अच्छा प्लान है इनका और मुझे तीन हजार छः सौ का बिल मिलेगा और लगेगा दो साल में तो तीन हज़ार छः सौ दो साल के लिए काफ़ी अच्छी डील है नॉर्थ वी का तो एक साल का भी इससे ज़्यादा महंगा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा बजट वी मुझे लगा है जैसे मैं यहाँ पे बाय नाव पे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कूपन कोड ऑटोमेटिकली लगा हुआ है एंड आप लोगों को ट्वेंटी फाइव मंथ्स मिल रहा है आप लोग चौबीस महीने की पेमेंट कर रहे हो आप लोग को एक महीना एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो आप लोग एक्चुअल में पे कर रहे हो थ्री फॉर टू ईयर्स एंड वन मंथ वहीं पर अगर आप लोग एक साल की पेमेंट करोगे तो यार पाँच हजार पेमेंट मांग रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है तो बेटर है कि आप लोग डायरेक्ट दो साल वाला ही यहाँ से ले लो पेमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेपाल गूगल पे अमेजोन पे क्रिप्टोकरेंसी यूपीआई सब अवेलेबल है मनी बैक गारंटी भी यहाँ पर आप लोगों को थर्टी डेज की मिलती है तो अगर आप लोग पसंद नहीं है या फिर आप लोगों को अगर स्पीड नहीं मिल रही है आपके एरिया में तो मिल जानी चाहिए क्योंकि मैं भी इंडिया में हूं मुझे भी मिल रही है तो अगर मुझे मिल रही है तो आप लोगों को भी मिल जानी चाहिए लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आप लोग इसका थर्टी डेज में रिफंड क्लेम कर सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स

वो ये है कि मैं फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट हो सकता हूं ठीक है लेकिन मुझे यूएस में अगर किसी सर्वर से कनेक्ट तो दिया गया तो कौन सा मुझे, देगा, वो मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब, भी नहीं है। जब मैंने कॉन्टेक्ट में पूछा कि आप लोगों का नहीं है तो इन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते बनाया मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कि यार मुझे पता होना चाहिए ये कि मैं वीपीएन जिस कंपनी का यूज कर रहा हूं उस कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन है कौन इसको कंट्रोल कर रहा है तो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है तो ये दो धारी तलवार की तरह एक चीज अच्छी भी एक साइड बुरा भी है कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है बाकियों को भी नहीं पता है कि कौन है लेकिन हमें भी नहीं पता है कि इसका एक्चुअल ओनर कौन है नाउ कमिंग टू द बॉटम लाइन इन माई ओपिनियन अगर आप लोग एक बजट वीपीएन ढूंढ रहे हैं तो ये काफी अच्छा वीपीएन रहेगा सर्व करने के लिए स्ट्रीमिंग करने के लिए डाउनलोडिंग करने के लिए एक बजट वीपीएन के लिए काफी अच्छा ओवरऑल पैकेज है सर्शार वीपीएन में तो दैट विल बी ऑल फॉर दिसन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको समझ दे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन गुड बाय